खेज इंटरव्यू शाया किया गया जिसने उनकी क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज किया और उसमें बेतहाशा प्रोपेगंडा किया गया मुल्की सालमियत के हवाले से, जो हमारे दफाई अदारे हैं उनके हवाले से एक सोची समझी मुनज़्ज़म स्कीम के तहत ये प्रोपेगंडा करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़, हमारे सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़। अमेरिका और बरतानिया में इनके सेल मौजूद हैं जिनको मैं जेल की लैंग्वेज में हुकूमत खाने कहता हूँ। इमरान नियाज़ी ने एक पूरा अपना नेटवर्क बनाया है जिससे यह पाकिस्तान के आर्म फोर्स की तजलील करता है। एक उसी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये टारगेट करते हैं, जजेस को भी टारगेट करते हैं, सियासतदानों को भी टारगेट करते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को भी टारगेट करते हैं। जब वो कोई मंसूबा साजी इनकी फ्लॉप हो जाए फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है। मसूफ उसमें लिखते हैं कि इनको कैद तन्हाई में रखा गया। ये जो कैद तन्हाई का ज़िक्र करते हैं ये मसूफ 7 कमरों के पर मुश्तमिल एक कम्प्लेक्स में रहते हैं। वहाँ पर इनको साइकिल दी हुई है जहाँ पे ये साइकिलिंग करते हैं, फिर इनके पास एयर कूलर मौजूद है कॉरिडोर में, जब चाहे मसूफ सैर करते हैं, देसी मुर्गे खाते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन शख्स ने, जिसको तमाम किस्म की सहूलतें जेल में मैसर की गई हैं। अगर ये कहते हैं कैद तन्हाई है तो मैं गवर्नमेंट को कहूँगा फिर इसे अटक किले में फेंकें। वो 6x4 का जो सेल नवाज शरीफ के लिए रखा गया था जन्म शरफ के दौर में, और अभी इमरान नियाज़ी के दौर में भी वो 2.5 साल जेल में रहे हैं, तो वो अरसा दराज जो नवाज शरीफ साहब ने जेल में काटा उनको तो खाना भी नहीं दिया जाता था और उनकी वजह से उनकी सेहत के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ा। तो ये तो इनको तो दुनिया जहान की सहूलतें मैसर हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इमरान नियाज़ी का एक प्रोपेगंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये पाकिस्तान के तमाम अदारों को जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती से मुंसलिक हैं उनको ये कंट्रोवर्शियल बनाना चाहता है। एक गैर मुल्की फंडिंग इनको आती है जिनके ज़रिए से ये दिन रात अपनी आर्म फोर्सेस को गालियां देते हैं। ये वही प्रोपेगंडा है जो उन्होंने 9 मई के लिए किया। 9 मई में अब मुझे हैरान किया है कि अदालतें कहती जी सबूत किधर है। अब इससे बड़े क्या सबूत हो सकते हैं कि उनके लीडर्स खुद लेकर जाते हैं कोर कमांडर के घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर, एक मुनज़्ज़म इमरान खान की मौजूदगी में वो साजिश तैयार होती है जिसमें वो कहता था कि मुझे अगर हाथ लगाया गया तो आपकी नस्लें याद करेंगी। अब ये किस किस्म का इंसाफ है? एक तरफ तो नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आप सारी उम्र के लिए नाहल कर देते, और दूसरी तरफ आप इमरान नियाज़ी की बेटी का टेरियान का केस भी नहीं लगने देते। आप देख लें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सजा हुई, कोई गमला टूटा, कोई अमलाक को नुकसान पहुंचा, कोई फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, कोई उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर पर हमला हुआ, बताएं ना कोई हुआ तो बताएं। लेकिन
पाकिस्तान के अंदर गुनाह है, अदालतों में इमरान खान के ख़िलाफ़ केस को लेकर जाना, तो पहले ही जहन बना होता है जी सबूत नहीं है। अब ये कैसे सबूत चाहिए कि वो, अब वो कहता जी कि मेरे हैंडलर ने ये काम किया, मुझे पता नहीं। आज ही पीटीए को दरख्वास्त दें, आज ही अकाउंट बंद करा देते हैं वो वाला। अगर नवाज शरीफ के अकाउंट से कोई चीज़ आती है, ट्वीट होती है, तो उसकी हमारी ओनरशिप है उस पर। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये के इमरान खान का जो ट्विटर हैंडलर है इतना गाफिल है कि वो सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ लिख दे और उसको पूछने वाला कोई नहीं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्यों नहीं आप इमरान खान की बेटी जो टेरियान, जिसके ऊपर कैलिफोर्निया कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, और आप यहाँ पे कहते हैं कि हमने उसके ख़िलाफ़ केस नहीं सुनना? ये दोरा मियार इंसाफ नहीं चलता। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। एक तरफ तो आप नवाज शरीफ को बेटे से ना तनख्वाह लेने पर सजा देते हैं, वो कौन से कानून में लिखा था जी, वो कौन से कायदे में लिखा था जिसमें आपने नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया का लिखा था कहीं? और दूसरी तरफ आप इमरान खान के लिए गेट नंबर 1 खोलते हो, कहते हैं गुड टू सी यू सर। क्या ये इंसाफ था है? एक तरफ आप हमें कहते हैं जी कि ये सिसिलियन माफिया है, और उसी गेट नंबर 1 से इमरान नियाजी आता है मर्सिडीज में, उसको कहते हैं गुड टू सी यू। क्योंकि ये दोरा मियार इंसाफ का नहीं चलेगा। यहाँ पर 9 मई के वाक़े से ये इसको डिसोन करते हैं। कैसे कर सकते हैं डिसोसिएट अपने आप से? 9 मई के वाक़े पर आप मुजरमों को कह रहे हैं कि आपको खुली छूट है, आपको बेल दी जाती है, और ऊपर से 2-2 साल हमारी बेल के केस नहीं लगते थे। यहाँ पे तो तैयारी बैठी होती है कि केस आए तो 200 केसेस में इमरान नियाजी को ज़मानत दी जाए। क्यों क्यों इतना स्पीडी जस्टिस पाकिस्तान के बाकी अवाम के लिए क्यों नहीं? क्यों इतने लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं अदालतों में? लोग इंसाफ मांगते हैं, और एक शख्स इमरान खान के लिए जो मुजरिम है, जो कौमी मुजरिम है, जो अमलाक पर हमला करता है, जो फौजी तनसीबात पर हमला करता है, आप उसको कहते हैं जी आपको बेल दे दी जाती है। ये कौन सा इंसाफ है? और मुझे ये बताएं, ये कैसे इमरान नियाजी का जो हैंडलर है वो अपनी मर्ज़ी से ट्वीट कर सकता है? हाँ माशाल्लाह क्रेडिबल साफ़ी हज़रात बैठे हैं, को मुझे बताएं, मेरी भी समझ में डालें ये बात, मेरे भी अकल के खाने में डालें बात। एक अपने आप को लीडर कहने वाला शख्स जो कहता है मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, मेरे वोटर्स बहुत हैं, मैं सांस लूँ तो बाकी भी लोग सांस लें, जो अगर मेरा सांस बंद हो तो पाकिस्तान का भी सांस बंद हो जाए, इस किस्म की फ़ैन फॉलोइंग का वो मालिक कहता है जी कि ट्विटर हैंडलर से गलत हो गया। ये आप अपने रुफ़काए कार को अदालतों में बुलाते हैं, 20 से ज़्यादा तो मुलाकातें आपकी फैमिली की हुई, 50 से ज़्यादा आपकी मुलाकातें आपकी जो लीगल टीम है उससे हुई, आप कहते हैं जी मैं कैद तन्हाई में हूँ। नवाज शरीफ के लिए तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। शहबाज शरीफ की बेटी के साथ वो पेशियों पे जाता था, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को तो जेल के अंदर हथकड़ी लगा ली जाती थी, और इसकी बेटी का आप केस नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते आप इसकी बेटी का केस? क्या हम झूठ बोलते हैं? क्या कैलिफोर्निया की अदालत झूठ बोलती है? एक मनसब पे बैठे शख्स का केस क्यों नहीं अदालत सुन सकती? यहाँ पर सवालिया निशान है इंसाफ के ऊपर, अदालतों के ऊपर, कि अगर टेरियान का केस जाते हैं तो हाई कोर्ट में कहते जी हम नहीं सुनेंगे केस। क्यों नहीं सुनेंगे जी केस? उसके ऊपर फैसला आया हुआ कैलिफोर्निया के केस का,
तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस सुना जाता है, उन्होंने तो नहीं कहा कि हम नहीं सुनेंगे केस को, सुना उन्होंने। नवाज शरीफ के लिए तो आप GIT बना देते हैं, नवाज शरीफ के लिए तो आप इजाज़ुल अहसन का मॉनिटरिंग जज बना देते हैं कि फैसला 10-15 दिन में हो जाए, 10 वॉल्यूम पर मुहित वो खाने बना देते हैं, डब्बे बना देते हैं, और खोदा पहाड़ निकला चूहा बीच में से कि बेटे से ना तनख्वाह ली तो निकाल दें इसे, और उधर से वो उसकी बेटी का ओपन एंड शट केस। मैं बेटियों वाला हूँ लेकिन वो हुक्मरान है इमरान नियाजी। हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के तर्ज़ ज़िंदगी का बताते हैं, हमें उनका हुक्मरानी का नतीजा बताते हैं। रियासत मदीना की बात की जाती है, रियासत मदीना में अगर नजायज़ बेटी होती तो 70 कोड़े लगने थे और आपको संसार कर देते। रियासत मदीना के अंदर अगर इमरान नियाजी तुमने ये जुर्म किया होता, एक नजायज़ बेटी के बाप बने होते तो तुम्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता, और तुम यहाँ पर दंदनाते फिरते हो, और किसके सर पे दंदनाते हो तुम? तो ये झूठ ज़्यादा नहीं चलेगा, जाएं जाके देखें। वो साहबज़ादा इमरान खान नियाजी इस वक्त वॉक कर रहा होगा अपने कॉरिडोर के अंदर, 7 कमरों पे मुहित है वो, वहाँ पर TV भी लगा हुआ है, एयर कूलर भी लगा हुआ है, 3 टाइम का डॉक्टर उसका चेक करके खाना बेचते हैं। कभी नवाज शरीफ का चेक कराया था खाना? कौन सी ऐसी मकनातीस लगा हुआ है इमरान नियाजी के खिलाफ, ये बाजी नहीं आते। उसको रिलीफ देने पे बाज नहीं आता कोई, हमारा तो 2-2 साल भी केस नहीं लगता था, यही अदालतें थी, यही हजरात थे, यही वकला थे जो आजकल पेश होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो उस वक्त तो कोई इंसाफ याद नहीं आया, उस वक्त कोई आपको उस वक्त अकामा याद आ गया था। तो ये मेहदी हसन के जो मामलात हैं साफ़ी का नाम लेकर, और कैसे मुमकिन हो सकता डिवाइस तक नहीं जा सकती वहाँ तक, लेकिन वो कहते जी मेरी टेलीफोन पे बात होगी। अंदाज़ा करें यार, सहाफ़त का ग्राफ किधर चला गया? अगर इस तरह क्रेडिबिलिटी गिरेगी तो फिर मामलात किसी और तरफ जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि 9 मई के मुलज़मों को आप छोड़ दें, ये नहीं हो सकता पाकिस्तान का तबाह करने वाले लोगों को आप छोड़ दें, और बेटे के तनख्वाह ना लेने वाले को आप उम्र भर के लिए कहें जी कि आप सियासत से फारिग हैं, आपकी फैमिली फारिग है। तो अल्लाह ताला ने तो नवाज शरीफ साहब को फिर पाकिस्तान की तारीख में 3री मरतबा पार्टी का सदर मुंतखब करा दिया, जनरल मुशर्रफ साहब ने निकाला, फिर पार्टी ने सदर मुंतखब किया, फैज़ हमीद साहब और उनकी टीम ने और साकिब निसार ने फैसला किया, फिर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया। तो ये बातें बड़ी गौर तलब हैं कि मेरी डिमांड है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का केस का फैसला आ सकता है तो टेरियान के केस को क्यों नहीं सुना जा सकता, उसके केस को क्यों नहीं फिक्स किया जाता। मेरे ऑनरेबल जजेस से सवाल है बड़े अदब के साथ कि आपने क्यों नहीं उसका केस लगाया टेरियान का? टेरियान मेरी बेटी तो है नहीं है, मेरी कोई अजीज़ा भी नहीं है, तो वो कोई मखलूक तो है ना अल्लाह की जो दुनिया में आई है। अगर रियासत मदीना का वाली, वो तो हमारे आकाए दो जहां सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनकी कुरान में अल्लाह ने गवाही दी है कि वो सादिक और अमीन थे, और इसकी गवाही उस वक्त साकिब निसार ने दी थी। आप अंदाज़ा कर लें
एक तरफ रब अपने नबी की गवाही देता है रियासत मदीना के वाली का, और दूसरी तरफ जो खुद अपने आप को कहता है कि जी मैं रियासत मदीना मैंने बनानी है, और उसकी गवाही देता है साकिब निसार। तो मेरा आपके तवसत से वो मुअज्जज जज साहिबान से भी सवाल है कि एक तरफ आप पे नामा रख लें, दूसरी तरफ आप सीता वाइट और इमरान न्याजी की बेटी टहरियान का केस रख लें, एक तरफ आप 9 मई का वाकया रख लें, और दूसरी तरफ जो इसके इसने अभी गैर मुल्की जरीदे में अपनी आर्म फोर्सेस के खिलाफ बकबक की है, जो भी ये कहता है ये मेरे ट्विटर हैंडलर से उसने किया, मुझे तो पता नहीं ये कैसे हो गया भाई, ये नहीं होगा। इस पर इनके ऊपर पाबंदी भी लगनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को आप बिल्कुल हर चीज़ से फारिग कर दें, आप एक बंदे के लिए कानून बदलें, आप एक बंदे के लिए माफ़ीनामे जारी कर दें, आप एक बंदे के लिए 200 बेलों का मुचलके बना कर दे दें, आप एक बंदे के लिए सारा कुछ ही बदल दें, और दूसरों के लिए आप कानून का कोई बेड़ा गर्क कर दें, ये नहीं हो। ताली इस तरह बजती है, इस तरह तो आप ताली नहीं बजा सकते, इसका मतलब कुछ और होता है, वो आपको भी पता है मुझे भी पता। तो लिहाजा ये नहीं होगा। अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इमरान खान को उसकी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बहुत मजाक हो गया पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के कवानीन के साथ भी। अब इंशाल्लाह ताला वक्त आ गया है कि इमरान न्याजी अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा, 9 मई वाले अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे, और ये जो भी ट्विटर के ज़रिए मिस हैंडलर का जो केस है ये भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। ये अपनी तरफ से एक शुरली छोड़ते हैं, वो कामयाब हो जाए तो शामियाने बजाते हैं, अगर वो इनके खिलाफ चले जाए तो उससे आपने आप से लातलकी का इजहार करते हैं। ये अब नहीं होगा, कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में और पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में महंगाई का ग्राफ नीचे गया है। अब इन फजूलियात पर कौम तोजो नहीं देती, और ना तुम्हारी फजूलियात पर कोई तोजो देगा। अब इंशाल्लाह तुम्हें सज़ाएँ भी होंगी, और जो तुम्हारे सहूलतकारी होती है चाहे वो किसी भी जगह से हो, तो सहूलतकारी का रास्ता भी बंद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में इंतशार का खात्मा हो और पाकिस्तान अपने सही ट्रैक के ऊपर चले। शुक्रिया। तो साहब आपने बताया कि जेल के अंदर इमरान खान को कुछ सहूलियात दी जा रही हैं, कहीं देसी घी में पकड़े दिए जाते हैं, कहीं डिवाइसेस पहुंचाई जाती हैं, कहीं ट्विटर वहाँ पर यूज़ किया जाता है, कभी टेलीफोन पर बात की जाती है, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट का अडयाला जेल के ऊपर कंट्रोल कमज़ोर है, या वो नहीं, ये अदालतें उनको सहूलत देती है ना जी, हमें तो नहीं देती थी। इमरान खान को तो सहूलतें दी जाती हैं, तो हमारे तो कायद के साथ मिलने पे भी पाबंदी थी, उनको छोटे से सेल में रखा होता था और हमारी तस्वीरें पोस्ट करवाई जाती थी जेल में से, इमरान खान की भी करवा दी गई और भी पोस्ट करवा दी जाती थी जेल से तस्वीरें। तो ये सहूलतकारी मैंने आपको कहा है जहाँ से भी हो रही है, तो अब सहूलतकारी बंद कर इमरान खान को मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचाया जाए। चौधरी साहब, ये बता रहे हैं सवाल ये कि आपने ट्विटर की बात की है, जबकि ट्विटर पे पाबंदी आयद कर दी जाती है, सोशल मीडिया पे कदम लग जाती है, जो आपका यह हत्या की इज्जत का दावा और इस तरह के केसेस वगैरह, तो आप क्या कहते हैं कि ये मीडिया पर कदम? देखिए जी, मैं आप काफी ज्यादा इसमें सर, देखिए ना, हम हमारी हुकूमत ने कभी आज़ाद अदलिया पर कदगे नहीं लगाई। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, आपने डिफेमेशन की बात की तोहीन के बारे में। अब ये जो
हमारे सेनेटर नासिर महमूद भट साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, किन से कैसे जीते इंग्लैंड में? जो गलत रिपोर्टिंग होती है, एक क्रेडिबिलिटी होती है साफ़ी साफ़त की, एक पहचान है, हम इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करते रहेंगे। मेरी हमेशा आज़ाद साफ़ी के लिए, आज़ाद चीज़ों के लिए हम आपके साथ खड़े, हमने आपके साथ मारे खाई हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत शाया करता है तो उसको साबित करना भी उसका काम है। ये नहीं है कि आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें कि मैं ये हूँ, और आपके रिपोर्ट के पीछे ये जो अभी मेहदी हसन वाला वाक़या हो रहा है, तो ये चीज़ें निकली तो ये फिर आपको साबित भी करना पड़ेगा कि ये मामलात हैं। लेकिन ट्विटर को ओपन होना चाहिए, मैं खुद इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे भी मसला आता है VPN ऑन करके, कई सहूलत नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि इसको खुलना चाहिए, मैं इस पर आपके साथ। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि माजी में आप लोग जो है डांडी का जब मामला बना तो रियासत ने आपको बताया कि आपने जो है रियासत के राज लीक किए और आपने दुश्मन की चाल चली और ऐसा करें। मरी में जो मीटिंग होती रही उसके ऊपर भी हमें यह बताया गया या ये तासर दिया गया कि आप जो है पाकिस्तान के दुश्मनों से मिले हुए हैं। आज जो आपके कल सियासी मुखालिफ थे, आज आप उन्हीं के किरदार पर, उन्हीं के ट्रैक पर चल रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है? और आखिरी सवाल का हिस्सा कि आपकी सियासत औरत से निकल क्यों नहीं पा रही? आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि टहरियान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ना उसका मामा हूँ ना बाप हूँ ना कुछ हूँ, तो फिर यहाँ पर अदालत में कोई तो फरीक जब पूरी रिश्तेदारी को निकालेगा ना अपनी, भाई फरीक बनेगा। सुन ले, मैं अकामे पे निकल गया। इमरान न्याजी ने अपनी बेटी को उसमें अपने गोशवारे में बताया नहीं कि हमने कब कहा कि ये ज़रूरत है, वो कह दे मेरी बेटी है गोशवारे पे लिख देता। मुस्लिम नून ने रोका था या मेरी क़यादत ने रोका था कि जी आप उस खाना में बेटी का जिक्र ना करें? तो ये आप उससे पूछे सवाल, मुझसे क्यों कर रहे हैं? वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, वो पाकिस्तान की को रियासत मदीना की बात कर रहा था, मैं कर रहा था रियासत मदीना में। तो ये नहीं होता कि एक 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 खलीफा वक्त अपनी बेटी को छुपाता फिर अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, वो खुलफाए राशिदीन कहाँ, वो पाक हस्तियाँ कहाँ, हम जैसे लोग। तो ये सवाल आप इमरान न्याजी से पूछें जिसने अपनी बेटी को छुपाया, मैंने नहीं छुपाया। बता दें बेटी उसकी है तो बता दें, बात ख़त्म होगी। तो लिहाजा ये उसने बताना, ये हमने नहीं बताना। जी सर, सर आपने कहा कि आपने 2 मई की बात की, बिल्कुल 2 मई तारीख का इक्तिसाद दिन था, और साथ ही आपने कहा कि सबूत मौजूद है कि PTI के लीडर्स जो है वो लोगों को लेके गए और उन्होंने तोड़फोड़ की, लेकिन सर कोई एक भी फैक्ट या सबूत अभी ऑन ग्राउंड नहीं है कि जिसमें ये साबित किया जा सके कि इमरान खान या उनकी किसी पार्टी लीडर ने ये खुद अपने मुँह से हिदायत दी हो कि इस जगह को जला दो, इस जगह को तोड़ दो, तो फिर आप उनको जिम्मेदार। देखें, जो मेन उनकी लीडरशिप है जिसमें मोहतरमा यासीन राशिद साहिबा हैं, उनके पंजाब के सदर है, उनके जितने भी वफाकी वज़रा हैं, वो तमाम उस मीटिंग का हिस्सा थे जहाँ पे ये प्लानिंग हुई। मैंने तो ये राज अफशा नहीं किए, या मेरी जमात ने तो नहीं किए। ये जो जो वो वज़रा थे उस मीटिंग में, तो आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब इसमें प्रेशर वाली कौन सी बात है? अब यास्मीन राशिदा साहबा उनको कह रही हैं लिबर्टी से आप कोर कमांडर हाउस के बाहर चले जाएं, तो वहाँ पे क्या दाता साहब का उर्स था? बताएं क्या वहाँ पे कोई उर्स पे लेकर गई थी? वहाँ पे जाहिर है जो उनका प्लान था, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, वो उन्होंने पूरा किया। और 2 दिन वो शामियाने बजाते रहे हैं कि जी हमने तबाह कर दिया, लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ निकल आई, लोग ये है वो है, जब उन्होंने रिएक्ट किया तो वो कहते जी हमें पता ही नहीं। तो ये बात नहीं हो सकती कि मीठा मीठा हवा और कड़वा कड़वा थू थू। अब ये 9 मई समेत जो भी कौमी मुजरम हैं उनको अपने मंतकी में अंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट में उनके जो कहने का अंदाज और जो आप फरमा रहे हैं वो
دو آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں جو وہ تقریر فرماتے ہیں وہ حمود الرحمان کمیشن سمیت وہ جو تمام رپورٹس بنی ہیں ان کے لیے ایک یہاں کر دیں ہمیں کہہ جی بتائیں قوم کو فیکٹس کیا ہیں. تو ایک حمود الرحمان کمیشن نواز شریف نے تو نہیں بنایا تھا, جن حضرات نے بنایا تھا تو اس کی رپورٹ کو پھر پبلک کر دیں. لیکن جو اس شخص کی گفتگو ہے پھر وہ اس کو کیوں مکرتا جی کہ میں نے نہیں کیا, یہ ہمارے ٹویٹر ہینڈل نے کیا پھر سٹینڈ لے اس کے اوپر پھر. تو یہ متنازع باتیں نہیں کریں, متضاد قسم کی سٹیٹمنٹیں دے دینا بعد میں مکر جانا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر جو کہا ہے پھر کھڑا رہے, پھر کہہ کے دو تین دن کے بعد کہے جی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس وزیر اعظم کا ٹویٹر ہینڈلر ہو اور وہ اپنی مرضی سے جو مرضی چھاپ دے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ کون سی چھاپڑی والے بندہ تھا کہ جس کا جو مرضی چھاپ دیں؟ وہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہوا ہے تو ذمہ داری بھی اس کی بنتی. یہ تو ہلتی بھی نہیں ہے یار میجک. اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر جو بھی آ کے پریس کانفرنس کرتا تھا اس کو 9 مئی کے سارے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے تھے, معاف ہو جاتے تھے. آپ کے آئی جی پنجاب نے کہا کہ مراد راز جو ہے اس کو اندر ہم نے پایا انویسٹیگیشن رپورٹ میں, لیکن ایک مذمت کے بعد سب گناہ گار. سب یہ کون سی لانڈری ہے ویسے جہاں پر دیکھیں جی مذمت کرنے سے سب کچھ. صحافیوں کو تحفظ دینا حکومت کا فرض ہے, صحافت کا کام ہے قلم کی جنبش سے قوم کو سچ کی راہ دکھانا. اور جو بھی یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہونی چاہیے, قتل نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو لوگ اس میں شامل ہو ان کو سزائیں دینی چاہیے تاکہ یہ راستہ بند ہو. تھینک یو. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عابد شیر علی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے.